अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा हम चैप्टर 9 जो है वो पढ़ रहे हैं मुसलसल, तो आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें एंथोसिरोपसीडा जो है वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास है ब्रायोफाइट्स की। बेटा अगर हम इसका गेमीटोफाइट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये गेमीटोफाइट को देखें, तो गेमीटोफाइट जो है इसका उस लिहाज से तो इसको ब्रायोप्सीडा से पहले होना चाहिए ग्रुप को, क्योंकि इसका जो गेमीटोफाइट है वो थैलस है और उसके साथ साथ इररेगुलर है इसकी आउटलाइंस। लेकिन इनको हमने टॉप ऑफ द ब्रायोप्सीडा रखा और ये टॉप ऑफ द ब्रायोफाइट ब्रायोप्सीडा से ऊपर रखा, क्योंकि इनके अंदर जो इनका स्पोरोफाइट है वो एडवांस है बाकी तमाम ब्रायो फाइट की निस्बत। डिवीजन ब्रायोफाइट्स में, यानी कि सबसे ब्रायोफाइटा में सबसे जो एडवांस ग्रुप है स्पोरोफाइट के लिहाज से वो है ये वाला ग्रुप, जिनको हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं आम तौर पे। तो ये इसकी वजह है। अब अगर हम इनका ब्रायोफाइट्स जो हैं उनमें अगर हम ब्रायो में देखें, तो जो इनका गेमीटोफाइट है वो हाईली लूप्ड है, इररेगुलर है इन आउटलाइन, और जो एडवांस करेक्टर है उसमें एक करेक्टर ये है कि इससे पहले तमाम ग्रुप के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपॉन द गेमीटोफाइट फॉर नर्शमेंट, न्यूट्रिशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है कि अर्लियर स्टेजेस पे तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमीटोफाइट के ऊपर नर्शमेंट के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी, लेकिन उसके बाद ये खुद सर्वाइव करने की सलाहियत भी रखता है। जैसे ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये इसका स्पोरोफाइट्स हैं हॉर्न, इसलिए जैसे सींग होते हैं उस तरह की है, इसलिए इनको हॉर्नवॉर्ट का नाम दिया गया। दूसरा, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मल्टी सेलर, जैसे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, बाकी पूरे ग्रुप में आप देखें दे आर प्रेजेंट ऑन द गेमीटोफाइट ऑन द टिप ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस की टिप के ऊपर प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, दे आर अबेंडेड इन टू द थैलस। ये जो इनकी थैलस है इस थैलस के अंदर ये अबेंडेंड हैं, लिहाजा इस वजह से ये भी उनका डिफरेंस है दूसरों की निस्बत। पार्शली सकन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। अब हम स्पोरोफाइट जो है उसके एडवांस करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एडवांस करेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि अर्लियर डिवेलपमेंट के फौरन बाद जो स्पोरोफाइट है उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, इसलिए ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक है इसका। जो इसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं दे डेवलप द क्लोरोप्लास्ट और फिर उनके अंदर स्टोमा यानी कि स्टोमेटाज प्रेजेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एडवांसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्लियर स्टेजेस के बाद ये खुद भी फोटोसिंथेटिक है बिकॉज दैट डिवेलप द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए दैट हैव ए वैक्सिक्यूटिकल लेयर ओवर, ताकि इसमें से कम वाटर जो है वो इसमें से निकल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि ये एलिवेटेड फॉर्म में है, यानी कि ये अपराइट ग्रो करता है इस तरीके से स्पोरोफाइट, और इसलिए ये थैलस के ऊपर अपीयर हो रहा होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर, ये ऊपर क्यों ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए उठता है कि यहाँ पे इसका फुट और सीटा प्रेजेंट होता है। ये इसका फुट है जो कि अबेंडेड है विद इन द गेमीटोफाइट, जबकि इसके बेस के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिप है सीटा के साथ जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं दे हैव कंटिन्यूसली डिवाइडेड, और जब ये बैंड जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करता है तो दैट प्रोड्यूस द सेल्स टू द अपर रीजन। ये ऊपर की तरफ जो है वो न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पोरोफाइट है ये अपवर्ड एलिवेट करता जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ होती जाती है और इस तरीके से ये ग्रो करता जाता है एलिवेटेड फॉर्म के अंदर, तो यानी कि ये बढ़ता जाता है और इसका ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट होता है इस वजह से। लिहाजा
जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डेथ भी हो जाए तो तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर हिली एरियाज में एंथोसीरोस एक इसकी स्पीशी है जो कि कॉमनली हमें हिली एरिया के अंदर पाकिस्तान में मिलती है। ये दोबारा से आप इसका स्पोरोफाइट देखें, ये बेस के ऊपर फुट है, फुट के ऊपर सीटा है, सीटा की बेस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो कंटिन्यूसली एक बैंड की सूरत में और कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं सेल्स टूवर्ड अपर साइड, जो ग्रोथ रेट तेज़ होता है। ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट, ये जो है कैप्सूल वाला एरिया है इसका, जो कि कैप्सूल बनता है। कैप्सूल वाले एरिया में जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट हैं और उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक है। और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो फिर ये ऊपर से ओपन हो जाता है, एपिडर्मल फट जाती है जिससे स्पोर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कम्प्लीट करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत दफ़ा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, तो अब तक तो आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए, फिर भी हम इसको तेज़ी के साथ रिवाइज करते हैं। गेमीटोफाइट जो कि डोमिनेंट जनरेशन है, ये थैलस बेयरिंग स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलर है, हैप्लॉइड होती है, इसमें मियोसिस होती है और इसके अंदर जो सॉरी माइटोसिस होती है, माइटोसिस जो है वो इसके अंदर दो जगहों पर होती है, एक जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं वहाँ पे, और दूसरी आर्चीगोनियम जहाँ पे एग सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, यानी कि दो तरह के इसके गैमीट्स बनते हैं और ये गैमीट्स जो हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, एंथ्रोजोइट्स या स्पर्म्स कहते हैं, दूसरे जो हैं वो एग जो कि आर्चीगोनियम के अंदर डिवेलप करते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है विद इन द आर्चीगोनियम, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं मोटाइल हैं और एंथ्रोजोइट्स कहलाते हैं, ये वाटर की मदद से आर्चीगोनियम में जाते हैं जहाँ पे एग जो है उसकी फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट का दूसरा नाम जो है डिप्लॉयड ओओस्पोर भी कहते हैं। ये जो ओओस्पोर है ये डिप्लॉयड होता है, ओओस्पोर जो है ये आर्चीगोनियम के अंदर ही होता है, वहाँ पर ये डिवेलप करता है, जर्मिनेट करता है और मल्टी सेलर अगली जनरेशन बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड है, मल्टी सेलर है। और स्पोरोफाइट को अगर आप देखें तो उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल जिसको हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं और स्पोरोगोनियम भी कहलाता है, ये उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें ये डिवाइड डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो स्पोरोगोनियम या कैप्सूल होता है इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं वो प्रेजेंट है, इनके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के रिजल्ट में दे प्रोड्यूस द हिप्लॉइड स्पोर, इसलिए जो स्पोरोफाइट है उसको हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं और वो होमोस्पोर प्रोड्यूस करता है, मीन एक ही काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम जनरेशन और इस तरीके से जो स्पोर्स हैं दे जर्मिनेट टू गिव राइज द गेमीटोफाइट थैलस जो है उसको ये बनाते हैं। गेमीटोफाइट अगर आप देखें तो दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्पोर और एंड होते हैं एट द गैमीट्स, ये इसकी जनरेशन टाइम है जो कि अल्टरनेशन। इसी तरह से जो स्पोरोफाइट है दैट बिगन्स विद ओओस्पोर, यानी कि ये जो ओओस्पोर जाइगोट बना है इससे ये शुरू होता है और डिप्लॉयड जनरेशन ख़त्म होती है स्पोर मदर सेल पे। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट, ये एमसीक्यूज में भी आता है सवाल कि स्पोरोफाइट बिगन्स विद ओओस्पोर और ख़त्म होता है स्पोर मदर सेल, जबकि गेमीटोफाइट जो है वो बिगन यानी कि स्टार्ट होता है विद द स्पोर उसकी जनरेशन जो हैप्लॉइड है और फिर एंड होता है गैमीट्स के ऊपर यानी गैमीट फॉर्मेशन के ऊपर। इसी तरह से जो एग है इसको हम वो स्पोर का वर्ड भी और वो स्फीयर का वर्ड भी यूज़ करते हैं और जाइगोट के लिए वो स्पोर का वर्ड यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, पहले भी हम दो जगह पर पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो रीशफलिंग ऑफ जीन्स, क्योंकि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के रिजल्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में रिकम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो राधा रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाती है। अब रीशफलिंग के रिजल्ट में जो स्पोर्स बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप से वो स्पोर्स बनते हैं और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो दे प्रोड्यूस गेमीटोफाइट विद डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशंस, और जब डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन वाले गेमीटोफाइट्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं तो उनमें वो जेनेटिक मटेरियल जो बेस्ट है, जो बेहतर है, वो वाला सर्वाइव करता है और
उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लिहाजा वो उस जगह पे जर्मिनेट करता है, और जिसके जो जेनेटिक मेकअप उस इन्वायरमेंट को सूट नहीं करता वो ख़त्म हो जाता है, वो सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस टेक प्लेस होता है। और रीशफलिंग जब गैमीट्स बनते हैं, यानी कि गैमीटोजेनेसिस होती है, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्योंकि वो माइटोसिस होती है, लिहाजा माइटोसिस में जो गैमीट्स बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू द गैमीटोफाइट होते हैं। लिहाजा जब वो गैमीटोफाइट जिस जो के डिफरेंट है जेनेटिकली, उनके गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो जो स्पोरोफाइट बनता है वो स्पोरोफाइट जो है उसके जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी रिकम्बिनेंट हो जाता है, यानी कि वो भी न्यू जेनेटिक मेकअप के साथ बनता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट, जो जिस पेरेंट से वो डिवेलप किया था, तो उसमें चेंज आ जाती है। तो जेनेटिक वेरिएशन के रिजल्ट में न्यू स्पोरोफाइट जो है वो डिवेलप करता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, और नेचुरल सिलेक्शन की सूरत में जेनेटिक कम्बिनेशन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आ जाती है जो कि इनके सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो ये सिग्निफिकेंस में आता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, जब ये दोबारा से स्पोर बनाएगा तो ये स्पोर्स वंस अगेन बनेंगे विद द मियोसिस, लिहाजा वंस अगेन रीशफलिंग होगी, और जब रीशफलिंग होगी तो फिर उसी तरीके से हर जनरेशन में जैसे ही अल्टरनेशन जनरेशन होगी, एक स्पोरोफाइट जो है वो गैमीटोफाइट बनाएगा, गैमीटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, तो हर दफ़ा उनके अंदर अडॉप्टेशन होगी और उनके अंदर जो अडॉप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी टू देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।